सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का कहना है कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फीस में कई तरह की रियायत दी है। अरुण जेटली की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का यह मामला पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है और राम जेठमलानी इस मुकदमे में दिल्ली के मुख्यमंत्री की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई तरह से फीस में मैंने छूट दी है, केजरीवाल को फीस में रियायत दी है। 3.5 करोड़ का बिल भेजा है राम जेठमलानी ने इस छूट के बाद। तो राम जेठमलानी का दावा है कि मैंने फीस में रियायत दी है, केजरीवाल को फीस में यह रियायत दी गई है, तो कई तरह से फीस में मैंने छूट दी है। हालांकि इस बिल को कौन चुकाए इस पर लंबी बहस अभी भी जारी है। 3.5 करोड़ का बिल भेजा गया है राम जेठमलानी की ओर से। अब उन्होंने साफ किया कि फीस में पहले से ही उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रियायत दी हुई है। तो कई तरीके से फीस में मैंने छूट दी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं राम जेठमलानी, दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फीस में कई तरह से रियायत पहले से दी हुई है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी साहब का। उन्होंने कहा कि मैंने केजरीवाल को रियायत दी है। सच्चाई यह है कि मानहानि मामले में केस लड़ने के लिए मैंने केजरीवाल को फीस में कुछ रियायत दी थी। मैं आमतौर पर दूसरे जो क्लाइंट से रिटेनर फीस लेता हूं, यह फीस भी मैंने नहीं मांगी है। कोर्ट में हर एक पेशी के लिए जो फीस मैं लेता हूं उसे भी मैंने कम कर दिया। इसके अलावा कोर्ट में सुनवाई से पहले केस पर चर्चा के लिए मैंने रियायत दी है फीस में। तो राम जेठमलानी है, वरिष्ठ वकील हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण का। गोपाल, राम जेठमलानी साहब ने एक बार फिर से दावा किया कि उन्होंने पहले से ही रियायत दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 3.5 करोड़ का बिल भेजा है। अब क्या दिल्ली सरकार की ओर से कोई सफाई इस मामले में अभी तक आई है सामने? देखिए, दिल्ली सरकार के तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि यह उनकी लड़ाई नहीं है, सरकार की लड़ाई है। इसलिए चूंकि निजी लड़ाई नहीं होने के चलते सरकार इस फीस को भरे और कोशिश करेंगे कि जो जेठमलानी का फीस है वह फीस भर दे, क्योंकि जेठमलानी ने कहा है कि मैं उन्हीं लोगों से फीस लेता हूँ जो देने में सक्षम होते हैं। मैं क्लाइंट की क्षमता के हिसाब से इसे कम कर देता हूँ और मेरे 90% क्लाइंट जो है वह गरीब है। अगर केजरीवाल कहते हैं कि उनका फीस देने में वह सक्षम नहीं है, तब भी मैं उनका केस लड़ूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं अरुण जेटली का जो केस है वह हर हाल में राम जेठमलानी लड़ना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि इस केस को छोड़ें, भले ही केजरीवाल उनके फीस न चुकता करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3.5 करोड़ का बिल भेजा है राम जेठमलानी ने। उन्होंने साफ किया कि मैंने फीस में रियायत दी है, काफी छूट दी हुई है पहले से ही अरविंद केजरीवाल को।